CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम कब की बात। आलेख बालकराम नागर का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। कब की बात है भला? आज की। कल की जो बीत गया है। कल से भी एक दिन पहले की। हाँ, क्या कहते हैं बीते हुए कल से एक दिन पहले वाले दिन को? परसों। हाँ भला, क्या बोलो भाई, सब मिलकर बोलो, परसों। परसों। हाँ, परसों ही की तो बात है। परसों गरजा था बादल, छम छम पानी भी बरसा था। फिर एकदम चमकने लगा सूरज, मुन्नू तब घर में झूल रहा था झूला। रस्सी का झूला, अचानक उसने देखा बाहर, अरे आसमान पर भी एक झूला बना हुआ था, लाल पीले जामुनी कितने ही रंगों का झूला। मुन्नू ने दौड़कर माँ से कहा, माँ देखो आसमान पर कितने रंगों वाला झूला। ये इंद्रधनुष है मुन्नू। क्या? इंद्रधनुष। बोलो। इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बड़ा अच्छा नाम है। हाँ इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। मुन्नू ने आसमान पर बने सात रंगों वाले झूले का नाम याद कर लिया, इंद्रधनुष। मुन्नू कितनी ही देर तक इंद्रधनुष को देखता रहा और फिर जैसे कोई चीज फुर्र से उड़ गई। इंद्रधनुष और उसके रंग न जाने कहां चले गए, कहां खो गए। मुन्नू ने पूछा, माँ माँ आसमान का झूला इंद्रधनुष कहां चला गया? अरे एक इंद्रधनुष चला गया तो क्या हुआ, तुम अपने लिए और इंद्रधनुष ढूंढो। सचमुच? और नहीं तो क्या, जहां तुम्हें एक साथ बहुत सारे रंग दिखाई दें, समझो कि इंद्रधनुष तुमने ढूंढ लिया। माँ मैं जा रहा हूँ। कहाँ? इंद्रधनुष ढूंढने। क्या मुन्नू को कोई इंद्रधनुष मिला? हाँ एक नहीं दो दो। कहाँ कहाँ ढूंढा उसने इंद्रधनुष के रंगों को? जहाँ नहाते हैं वहाँ। बच्चों जानते हो क्या हुआ? उस दिन मुन्नू को नहलाते हुए माँ ने मुन्नू के सिर पर तेल लगाया। लगाते लगाते थोड़ा सा तेल नीचे गिर गया। उस तेल पर पानी जो पड़ा तो उसमें मुन्नू को दिखाई दिए रंग, कई कई रंग, इंद्रधनुष जैसे।
मुन्नू चिल्लाया, माँ माँ ये रहा इंद्रधनुष, वैसे रंग जैसे आसमान पर थे। पर एक और इंद्रधनुष उसे कहां दिखाई दिया? सुनोगे ये कहानी? तो सुनो, उसी दिन की बात है, बीते हुए कल से एक दिन पहले की, परसों की, जब मुन्नू गया था बगिया में, फुलवारी में, और उसने तोड़े थे वहां एक दो तीन बहुत सारे फूल। फूल तो मुन्नू ऐसे ही तोड़ लेता था, लेकिन परसों दौड़ा दौड़ा घर से मुन्नू बगिया में आया और फूल एक बड़ा अनोखा डाली पर खिलता पाया। चमचम किरणों सा चमकीला, नीला पीला लाल हरा, इंद्रधनुष ने आजो नीचे उसी फूल का रूप धरा। मुन्नू दौड़ा फूल तोड़ने, फूल गया वो झट से उड़, जिधर जिधर फिर फूल उड़ा वो, गया उधर मुन्नू भी मुड़। नहीं हाथ पर उसके आया, मुन्नू थक कर चूर हुआ, जितना उसके पीछे दौड़ा उतना ही वो दूर हुआ। मुन्नू समझ रहा था कि रंग बिरंगा इंद्रधनुष बगिया में एक फूल बना बैठा है। उसने सतरंगे फूल को पकड़ना चाहा तो वो उड़ गया। आगे आगे सतरंगा फूल, पीछे पीछे मुन्नू। आगे आगे सतरंगा फूल, पीछे पीछे मुन्नू। आगे आगे सतरंगा फूल, पीछे पीछे मुन्नू। और फिर मुन्नू थक कर बैठ गया। उड़ने वाला वो सतरंगा फूल मुन्नू को चिढ़ाते हुए बोला, आओ पकड़ो मुझको नटखट। क्या मतलब? नटखट मतलब शरारत, शरारत करने वाला, जो यूं ही बिना बात फूलों को तोड़े उसे नटखट नहीं तो और क्या कहेंगे? हाथ जोड़ फूलों से बोला, समझ गया शैतानी सब, तुम्हें तोड़ दुख देता था मैं, पाठ पढ़ाया तुमने अब। भला कौन सा पाठ? डाली पर सुंदर लगते हैं फूलों के सुंदर गुच्छे, अगर तोड़ लो मुरझा जाते और नहीं लगते अच्छे, अगर तोड़ लो मुरझा जाते और नहीं लगते अच्छे। और तब मुन्नू बोला, सात रंग वाले फूल, क्या तुम इंद्रधनुष हो? मैं इंद्रधनुष नहीं हूँ, इंद्रधनुष के रंगों जैसे मेरे रंग हैं। तो क्या तुम उड़ने वाले फूल हो? उड़ने वाला फूल नहीं मैं, तितली मेरा नाम पड़ा, सब फूलों की मैं रानी हूँ, छोटा हो या फूल बड़ा, सब फूलों की मैं रानी हूँ, छोटा हो या फूल बड़ा। और अब अगर तुमसे, तुम सबसे कोई ये पहेली पूछे तो तुम बूझ सकोगे? पहेली का मतलब बता सकोगे? लो पहले पहेली सुनो। इंद्रधनुष के रंगों वाला फूल नहीं है उड़ता है पर, इंद्रधनुष के रंगों वाला, इंद्रधनुष के रंगों वाला फूल नहीं है उड़ता है पर, फूल नहीं है उड़ता है पर। अब बताओ उसका नाम? तितली। हाँ तितली, भाई सब मिलकर बोलो, तितली 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 तितली।
है तितली कितनी, हाँ हाँ तितली कितनी प्यारी है, रंगों भरी पिटारी है। तितली कितनी प्यारी है, रंगों भरी पिटारी है। इसे मचलना हाथों से ये कोई अच्छी बात नहीं, इसे मचलना हाथों से ये कोई अच्छी बात नहीं। हाँ ये कोई अच्छी बात नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं। हाँ ये कोई अच्छी बात नहीं, हो ये कोई अच्छी बात नहीं। क्या तितली के दांत होते हैं? नहीं। क्या तितली की टांगे होती है? हाँ। क्या तुमने कभी गिनी है तितली की टांगे? नहीं। हमने गिनी है। बताएं तितली की कितनी टांगे होती है? क्या एक, दो, तीन, चार, पांच, छह? हाँ, तितली की छह टांगे होती हैं। चलते चलते एक बात और बताएं। जब पहली बार हमने तितली को देखा तो पता है हमें कैसा लगा? हमें लगा कि होली के दिन उस पर जैसे किसी ने रंगों भरी पिचकारी मारी हो, और वो रंग इतने पक्के थे कि अभी तक नहीं उतरे। क्यों, कैसी कही? कहो अच्छी। अच्छी। तितली कितनी प्यारी है, रंगों भरी पिटारी है। इसे मचलना हाथों से ये कोई अच्छी बात नहीं, इसे मचलना हाथों से ये कोई अच्छी बात नहीं। हाँ ये कोई अच्छी बात नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं। हाँ ये कोई अच्छी बात नहीं, हो ये कोई अच्छी बात नहीं। जो चू चू गाए चिड़िया, जो चू चू चिड़िया, जो चू चू गाए खुशियों से घर भर जाए। हाँ चिड़िया जो चू चू गाए खुशियों से घर भर जाए। उसे मारना कंकर से ये कोई अच्छी बात नहीं, उसे मारना कंकर से ये कोई अच्छी बात नहीं। ये कोई अच्छी बात नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं। हाँ ये कोई अच्छी बात नहीं, ओ ये कोई अच्छी बात नहीं। नरम मुलायम घास हरी, नरम मुलायम, नरम मुलायम घास हरी, लगे बिछी मखमली दरी। नरम मुलायम घास हरी, लगे बिछी मखमली दरी। उसे रोंदना जूतों से ये कोई अच्छी बात नहीं। हाँ उसे रोंदना। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।